सेहत आमा के बुलंदो बांग हुकूमती दावों की कलई खुल गई। इस सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल वार्ड के एसी खराब, मरीज खार। मेडिकल वार्ड के चारों यूनिट्स के एसी खराब, गर्मी हब्स और बीमारी ने किया मरीजों का बुरा हाल। सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल वार्ड के एसी खराब, गर्मी के सताए मरीजों की अस्पताल इंतजामिया से एसी ठीक करवाने की अपील। बीमारों का बहुत बुरा हौसला है कि हम लोग यहाँ पे लेटे हुए, हमारे से लेटा भी नहीं जा रहा गर्मी की वजह से। ठीक कर दें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। वॉशरूम वो इतने गंदे हैं, बेसिक के बगैर कोई हाल नहीं। सर्विसेज अस्पताल का स्टोर रूम इंतजामी गफलत के सबब गंदा नाला बन गया। ताफून और गंदगी से खड़ा होना मुहाल। स्टोर रूम में व्हील चेयर्स और बेड्स शीट्स रखी जाती हैं। एमएस अस्पताल में पानी जमा होने की वजह अस्पताल के बाहर मौजूद कैंटीन को करार दे दिया। आज नैब लाहौर में बड़ी पेशियां, यूथ फेस्टिवल में माली बेजाबगियां। पूछगछ के लिए लीगी रहनुमा राना मशहूद की तलबी। हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटा भी तलब। मांगे तांगे की कुर्सी पर मरते क्यों हो, अमल नहीं करना तो झूठी बातें करते क्यों हो। जलसे की इजाजत न देने पर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा कल कहते थे आओ कंटेनर मैं दूंगा, मैं जो निकली हूं तो अब डरते क्यों हो। मरियम नवाज ने अवामी जलसे के इनेकाद पर हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। कहना के इलाके में वनवीलिंग, दो अफराद की जान ले गई। एलडीए रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार पोल से टकरा गए। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। असातिज़ा के लिए खुशखबरी, महकमा तालीम का तबादलों पर आज से पाबंदी हटाने का फैसला। ई ट्रांसफर के तहत खवातीन टीचर भी तबादले करवा सकेंगी। शादीशुदा खवातीन को इससे कबल दूसरे शहरों में तबादलों की इजाजत नहीं थी। एमएओ कॉलेज के लेक्चरर की सर्विसेज सरेंडर। लेक्चरर सलीम गिल को फौरी तौर पर महकमा हायर एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। सलीम गिल पर लाहौर कॉलेज में तालिबात को प्रैक्टिकल में मुबैना तौर पर हिरासा करने का इल्जाम है। मस्नूई महंगाई का सबब बनने वाले जखीरांदोजों के खिलाफ जिला हुकूमत का ऑपरेशन। बेदिया रोड बल्कि अंगूरी बाग स्कीम के इलाकों में गोदामों पर छापा। 4500 चीनी के थैले, 500 एल के टीन जब्त। एसीसीडी का मुल्तान रोड सब्जी मंडी का भी दौरा। 14 मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस, जवाब तलब। इस एक साल हुकूमती कारकर्दगी में ये हुकूमत एक्सपोज हो गई है। मायूस कुल कारकर्दगी की वजह से आवाम भी मायूस हो गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जिस तेजी के साथ ये हुकूमत गैर मकबूल हुई है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं है। गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, खुराक की चीज़ों में भी इजाफा हुआ है। सीमेंट फी पूरी 25 रुपया इजाफा हुआ। चीनी फी किलो 3.65 रुपया फी किलो इजाफा हुआ। आईएमएफ का हाथ है और पाकिस्तान के गरीब आवाम का गरेबान है। हुकूमत की कारकर्दगी मायूस कुन। गैस, बिजली, चीनी, सीमेंट, गोश्त और दूध सब महंगा हो गया। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक कहते हैं अवाम किस से बात करें, किस से मुनसफी चाहें। जमात इस्लामी मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। सिविल जज की जानिब से वकील को कुर्सी मारने का वाकया। पंजाब बार काउंसिल का आज हड़ताल का ऐलान। आए रोज अदालती बाइकॉट की कॉल, पंजाब बार काउंसिल का मामूल, हजारों मुकदमात इल्तवा का शिकार, सालीन को मुश्किलात का सामना। लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ऑपरेशन दरहम बरहम। 17 रोज गुजर जाने के बावजूद ट्रेन की आमद और रवानगी मामूल पर ना सकी। 12 से ज्यादा ट्रेनें 5 घंटे ताखिर का शिकार। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन भी मुतासर। आने और जाने वाली 21 परवाजें मंसूख।
लाहौर से मियांवाली चलाई जाने वाली नई ट्रेन का इफ्तिताह से कब ही नाम तब्दील। सियासी हलकों में नाम के हवाले से तनकीद पर ट्रेन का नाम तब्दील। रेलवे हुकाम ने ट्रेन का नाम न्याजी एक्सप्रेस की बजाय मियांवाली एक्सप्रेस रख दिया। नई ट्रेन का इफ्तिताह वजीर आजम 19 जुलाई को मियांवाली से करेंगे। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए ठोकर न्याज बेग चौक की रीमॉडलिंग के काम का आगाज। DGLDA उस्मान मुअज्जम का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना। चौक की तजीनो आराइश और स्ट्रीट लाइट्स का इंतजाम करने की हिदायत। महकमे एंटीक्रप्शन टेक्निकल टीम का दौरा हडियारा। अब्बर की तक सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल के इल्जाम, तहकीकात के लिए सैंपल ले लिए गए। न्यू शाह जमाल कॉलोनी के LDA क्वार्टर्स में गंदगी के ढेर, इलाके में ताफुन फैल गया। मकीनों की इंतजामी गफलत के जिम्मेदारों की मुजम्मत, सफाई कंपनी से कचरा उठाने और सफाई इंतजामात मौसर बनाने का मुतालबा। एडमिनिस्ट्रेटर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ब्रीफिंग में कारकर्दगी का पोल खोल दिया। 1,97,000 स्क्वायर फुट सड़कों पर पैच वर्क का दावा, बारिशों से पहले ही बह गया। अहम और बड़ी सड़कें दावों के बरक्स खंडर बन गईं। सरकारी स्कूलों में जारी तरक्याती कामों का मुआयना। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 15 जुलाई तक काम मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। CEO की जेर निगरानी 16 जुलाई से तामीराती कामों का मुआयना शुरू होगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टीमों के गुलशन रावी में छापे, 4 फैक्ट्रीज में गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर कनेक्शन मुनकते कर दिए। जिले इंतजामिया शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ मुतहर्रिक। AC कैंट उमर हयात गोंदल की गाजी रोड और बेदिया रोड पर कार्रवाई, 4 दुकानें सील, मशीनें कब्जे में ले ली गई। अमीन पार्क बंद रोड के रिहायशियों का एहतजाज रंग ले आया। 8 रोज कबल अगवा होने वाली जहनी माजूर बच्ची बाजियाब। पुलिस ने बच्ची को हाफिजाबाद से बाजियाब करवाकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन इनाम वहीद कहते हैं कि भत्ते की पर्ची देने के लिए आने वाली गाड़ी और मोटरसाइकिल की मदद से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मानसून से कबल ड्रेनों की सफाई का काम जारी। कैंट ड्रेन समनाबाद पर 3 एक्सीवेटर्स और 20 ट्रकों की मदद से सफाई का काम जारी। DGLDA का MD वासा के हमरा दौरा, सफाई मुहिम का मुआयना किया। बारिशों और तेज आंधी से मुतासिर होने वाले पावर सिस्टम को बहाल रखने के लिए लेस्को का प्लान, 100 से ज्यादा खसूसी टीमें तश्कील। टीमें 24 घंटों में 3 शिफ्ट के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगी। कमिश्नर लाहौर बिलाल अहमद लोधी का जिना अस्पताल का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सालिया सईद, CDO लियाकत मलिक भी हमला। अस्पताल में पार्किंग के मसाइल और दाखिली खारजी रास्तों पर ट्रैफिक के बहाव का जायजा। हुकाम को अस्पताल के इतराफ ट्रैफिक जाम रोकने, ट्रैफिक बहाव बेहतर बनाने के लिए इकदाम की हिदायत। मोटापे का शिकार नूर हसन का शालामार अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर मुआज कहते हैं कि मरीज मुकम्मल तौर पर लिक्विड डाइट पर है, जल्द ICU जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मदामी बाग के इलाके में सर्वर फाउंडेशन के जरिए तमाम हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप। बेगम गवर्नर परवीन सर्वर का कैंप का दौरा, इंतजामात और दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। अंग्रेजी जुबान से निजात जरूरी है। अंग्रेजी ही की वजह से मुल्क में 27 एजुकेशन सिस्टम काम कर रहे हैं। कवानीन पर अमल दरामद करवाने वालों को कवानीन उर्दू में मुंतकिल करने होंगे। अदबी बैठक के मौके पर शुरका की गुफ्तगू। फिलहाल फूड्स की बरामदात का फरोग हुकूमती तरजीह है। मशकूक इज्जाए तरकीबी पर नजर रखने के लिए फूड अथॉरिटी के अहलकारों की ट्रेनिंग करेंगे। वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की सिन्हा हिलाल फूड एसोसिएट के वफ्द से गुफ्तगु। खेलकूद के मैदान से हरियाली गायब, सहूलियात का फुकदान। तारीखी बाबा हाली ग्राउंड बदहाली की तस्वीर बन गया। हुकूमती अदम तवज्जो ही के सबब वकला ने खेलकूद के ग्राउंड को पार्किंग एरिया में तब्दील कर दिया।
रुकने सूबाई असम्बली सैफ उल मलूक खोखर की लीगी कारकुनान से मीटिंग। लीगी रुकने अपोजिशन में होने के बावजूद अवामी मिसाइल हल के लिए पुरअज़्म, बोले सियासत का मकसद ही अवाम की खिदमत है। स्पेशल ओलंपिक में सरदलाली परचम बुलंद करने वालों के एजाज में तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फिजाइया से ताल्लुक रखने वाले 6 खसूसी अफराद को मेडल हासिल करने पर एजाजात से नवाजा। जामे मस्जिद अल मुस्तफा जोहर टाउन में अजमत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान उलमा किसान काउंसिल हाफिज साहिब महमूद अशरफी की खसूसी शिरकत। मौलाना आसिम मखदूम कहते हैं, हरमैन शरीम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। असगर आरिफ चिश्ती समेत मुख्तलिफ मुकादबे फिक्र के उलमा व मशायख भी शरीक। और मारूफ अदाकारा माहिरा खान की पंजाबी गाने तेरे इश्क ने चाया पर डांस की वीडियो मकबूल। वीडियो में माहिरा खान के साथ अदाकार बिलाल अशरफ और निगाह हुसैन ने भी डांस किया।